नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की गारंटी पर नसीहत के बाद तेज हुए भाजपा के हमले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वहां के लिए चुनौतियां लाती है। खजाना खाली करने के बाद भी जनता को नहीं मिलता कोई लाभ। भाजपा के मिशन झारखंड को धार देने आज रांची पहुंचेंगे अमित शाह। भाजपा ने कहा, सरकार में आने पर 5 लाख रोजगार के अवसर करेंगे सृजित। 5 नवंबर से कांग्रेस के प्रचार में आएगी तेजी। रेलवे की ओर से पूरे देश में छठ स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी। आज 168 ट्रेनों के जरिए यात्रियों के लिए विशेष सुविधा। थाईलैंड के विदेश मंत्री ने की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में महज 3 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के जबानी हमले तेज। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गारंटी पर नसीहत देने के बाद भाजपा के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जोरदार हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वहां के लिए चुनौतियां लाती है। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देती है और जनता को सुविधा भी मुहैया नहीं करवा पाती है। बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी की ओर से दी जा रही चुनावी गारंटी पर चिंतित हैं। इस चिंता में उनकी एक नसीहत ने उन्हें न सिर्फ अपनी ही पार्टी के भीतर बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में शक्ति गारंटी की समीक्षा किए जाने वाले एक बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेताओं को वही गारंटी देने की नसीहत देते हुए कहा था कि जिसे पूरा ना किया जा सके ऐसे वायदे ना करें। दरअसल खड़गे की ये टिप्पणी कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के ये कहने के बाद आई है कि वो शक्ति योजना की समीक्षा करेगी जिसने महिला यात्रियों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने की घोषणा की है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। इनमें गृहलक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3,000 रुपये और गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल जैसी गारंटी शामिल है। जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस 5ों गारंटी पूरा करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% भाग है। कर्नाटक की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान सामने आया है। उन्होंने भी खराब वित्तीय स्थिति की बात स्वीकार की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति में तनाव जरूर है लेकिन हम योजनाओं को लागू करना बंद नहीं करेंगे। आई डू अग्री
that there is a strain on the finances. Everybody agrees. But that doesn't mean that we are going to stop them. We have, as I said, we have made a provision in our budget, 56,000 crores, consciously. It's not just off the cuff we have done it and, you know, now we got into trouble. Yes, there is a strain on the budget, but definitely, you know, we continue to implement. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ईडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने हमेशा जनता के साथ झूठे वादे किए हैं। सिपाही भर्ती के नाम पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने घोटाला किया है, इसके लिए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को जवाब देना होगा। कई बहनें झारखंड की ऐसी हैं जिनके माथे पर बहने आज भाई दूज का तिलक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि रोजगार के नाम पर, उत्पाद सिपाही की भर्ती के नाम पर ये इंडी गठबंधन की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको ऐसा दौड़ाया कि वो जिंदगी की जंग हार गए। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 7500 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल 4500 विशेष गाड़ियां चलाई गई थी। 1 नवंबर 2024 को रेलवे ने 164 से अधिक विशेष गाड़ियां चलाई, जबकि आज 168 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। आज चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण विशेष गाड़ियों का विवरण इस प्रकार से है। 01009 लोकमान्य तिलक दानापुर एक्सप्रेस, 01481 पुणे दानापुर एक्सप्रेस, 01143 लोकमान्य तिलक दानापुर एक्सप्रेस, 01415 पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस, 01079 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, 01205 पुणे दानापुर एक्सप्रेस, 02832 भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस, 08439 पुरी पटना एक्सप्रेस, 08536 विशाखापट्टनम भुवनेश्वर एक्सप्रेस, 02398 आनंद विहार गया एक्सप्रेस, 02394 नई दिल्ली पटना एक्सप्रेस, 03326 कोयम्बटूर धनबाद एक्सप्रेस, 05220 आनंद विहार मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 05284 आनंद विहार मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 03248 बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस, 03043 हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस, सियालदह गोरखपुर एक्सप्रेस, 03187 सियालदह जयनगर एक्सप्रेस, सियालदह लखनऊ एक्सप्रेस, 01930 पुरी ग्वालियर एक्सप्रेस, दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस, अमृतसर छपरा एक्सप्रेस, बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस, अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कोलकाता एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी पटना एक्सप्रेस, दिल्ली बनारस एक्सप्रेस, आनंद विहार सहरसा एक्सप्रेस, आनंद विहार गोरखपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली राजगीर एक्सप्रेस, और तमाम ये विशेष गाड़ियां जो हैं वो जारी की गई हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ, और मुंबई से शिशिर सैलार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, रेलवे की विशेष तैयारी? हाँ बिल्कुल रमा, अगर हम भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेल अनवरत जो है वो मुसाफिरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संकल्पित दिखाई पड़ रहा है। अगर फेस्टिव सीजन की बात करें तो फेस्टिव सीजन में तकरीबन 2.5 करोड़ मुसाफिर रोज सफर कर रहे हैं, और अगर सामान्य दिनों की बात करें तो सामान्य दिनों में भी 2.30 करोड़ लोग भारतीय रेल के इस विशाल नेटवर्क को रोजाना सफर करते हैं। रात जो है वो जो दूसरी रात है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर वो पहुंचे थे और उन्होंने मुसाफिरों का हालचाल जानने की कोशिश की। मुसाफिरों ने बहुत संतोष जताया, खास करके अगर हम जनरल बोगियों में सफर करने वाले मुसाफिरों की बात करें रमा, तो निश्चित तौर पर एक जमाना था जब जनरल बोगियों में सफर करना बहुत ही मुश्किल काम था। एक के ऊपर एक मुसाफिर जो है वो अस्पष्ट तौर पर चढ़े हुए नजर आते थे और जो उनके सामान थे तो बिखरे हुए नजर आते थे। लेकिन अभी जो स्थिति है कि अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं
और अगर आपकी संख्या अगर ज्यादा दिखाई पड़ती है तो उत्तर रेलवे आपके लिए तुरंत एक नई ट्रेन की व्यवस्था करता है। जो 7435 ट्रेनें अब तक चलाने की बात की गई है, जिसका रेल मंत्री ने भी रात घोष किया, उस ट्रेन के अलावा अगर मुसाफिरों की भीड़ दिखाई पड़ती है तो मुसाफिरों के लिए एक नई ट्रेन तैयार की जाती है। और जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन हर एक जगह पर लगाए गए हैं, जिस पंडाल में मैं खड़ा हूँ, इस पंडाल में भी एटीएम मशीन जो है वो लगाई गई है। आप यहाँ आए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल की अगर जानकारी है तो आप खुद से भी वो टिकट ले सकते हो, नहीं तो रेल सेवक यहाँ पर मौजूद है, वो आपको कैश लेकर भी तमाम श्रेणियों में सफर करने वाले लोगों के लिए टिकट की व्यवस्था करेगा। और वो आराम से जाकर प्लेटफॉर्म से होकर सीआरपीएफ के लोग हैं जो उनके बॉगी है वहाँ पर जाकर उनको दिखाने का काम कर रहा है। तो हर हाल में एक ऐसी सुविधा प्रदान की गई है जिसके द्वारा जनरल बोगियों को सफर करना आसान हुआ है। और जब रेल मंत्री से हमने पूछा कि क्या जनरल बोगियों की संख्या और बढ़ेगी, उन्होंने कहा कि 12,500 जनरल बोगियों के कोच जो है वो निर्माणाधीन है, इनको आने वाले समय में तैयार किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं मुसाफिरों के लिए राहत का पैगाम आएगा। जो जनरल बोगियों में सफर करते हैं, जो किसान है, मजदूर है, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, जब 12,500 कोच अस्तित्व में आएंगे तो उनके लिए उन बोगियों की संख्या बढ़ेगी, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और हर हाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, उस सरकार की प्रतिबद्धता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं उनके लिए साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी। और अगर 16 नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर श्रीनगर बीच को बंद किया गया है, जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं वो अलग गेट से जा रहे हैं, जो अनारक्षित श्रेणी के लोग हैं वो अलग गेट से जा रहे हैं, उनके लिए ग्रीन कार्पेट बिछाई गई है और वहां से वो जा रहे हैं। 1 नंबर से 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, वो स्लीपर से सीधा सुपर ब्रिज पर जा रहे हैं और 1 नंबर से 15 नंबर तक यात्रा कर रहे हैं। बस मुसाफिरों से ये अनुरोध है कि जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो 1 घंटा पहले पहुंचे और पूरी जानकारी के साथ पहुंचे कि उन्हें कहां से किस गेट से जी राजेश और किस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, हमारे साथ शिशिर भी जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहाँ पर तैयारी है, किस तरह से वहाँ पर यात्रियों की सहूलियत का ध्यान रखा गया है, बड़ी संख्या में गंतव्य स्थल यात्रियों का वहाँ पर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल रमा, इस वक्त मैं मुंबई के एनटीटी स्टेशन पर खड़ा हूँ और मेरे कुछ कहने से पहले आप ये तस्वीरें देख ले, मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और ये पीछे आप जो देख यहाँ पर बनाया गया है, जो लोग यहाँ पर आते हैं, इससे पहले अगर देखा जाए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन इस बार जो है खास रेल प्रशासन ने जो है ये व्यवस्था यहाँ पर की है। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है, भले आपकी ट्रेन अगर कुछ घंटे के बाद दूर हो तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है, लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। जो सामने स्टेशन है वहाँ पर जो है लोगों की व्यवस्था की गई है, फैंस यहाँ पर लगाए गए पेंडॉल में, काफ़ी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भीड़ ना हो इसलिए काफ़ी बड़ा ये पेंडॉल बनाया गया है। लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, चूँकि काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन होती है तो ऐसे में जो प्रवासी है वो अक्सर हम देखते हैं कि 4-5 घंटे पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है रेल प्रशासन को, उनको किस प्रकार से जो है बिठाया जाए, उनको किस प्रकार से अकोमोडेट किया जाए। और ये ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर इस वक्त ये सभी इंतजाम किए गए, धूप है, गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है, फैंस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं वो यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर परिवार के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया। दूसरी बात, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करना है, पहुँचने के बाद आपको अगर कोई जानकारी यहाँ पर चाहिए तो जानकारी के लिए अलग अलग यहाँ पर टेबल्स बिठाए गए हैं, आप देख रहे स्क्रीन भी यहाँ पर बिठाई गई है, यहाँ पर इन ट्रेन की जानकारी मिलती है, कौन सी ट्रेन कब छूटने वाली है, बोगी किस प्रकार से लगी गई है, इस प्रकार से ये स्टेशन के बाहर की व्यवस्था है, स्टेशन के अंदर की व्यवस्था नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर लोगों को जो है जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर आते हैं एक कतारबद्ध तरीके से उनको अंदर लिया जाता है, जैसे कि राजेश ने कहा कि अलग से टिकट काउंटर बिठाए गए हैं और इसीलिए हम देख पा रहे हैं एक कतार यहाँ पर लगी है। जो जनरल टिकट के लिए अमूमन हम देखते हैं लोग स्टेशन पर टिकट घरों पर जो है लाइन लगाते हैं, लेकिन ये टिकट घर नहीं है, एक अलग से टेबल यहाँ पर बिठाया गया है जो बाहर की तरफ, ये जो आप कतार आप देख रहे हैं ये जनरल बुकिंग के लिए है, जो ट्रेन छूटने वाली है उनके लिए जो है
यहाँ पर अलग से एक लाइन यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ पर जो है जनरल टिकट आपको मिलेगी, स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पर ही आपको वो टिकट दी जाएगी और इसके बाद जो है आप अंदर यात्रा करेंगे। जैसे मैंने कहा अलग अलग काउंटर्स यहाँ पे बनाए गए, मेरे पीछे जो आवाज सुन रही है ये बार बार यहाँ पर जो रेल प्रशासन रेल सेवक है उनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि कब कौन सी ट्रेन छूटेगी। और साथ ही साथ जो टेबल यहाँ पर रखा गया हेल्प डेस्क बनाया गया है, हेल्प डेस्क में यहाँ पे देखिए आप कुछ लोग यहाँ पर है, उनको कुछ अगर समस्या है, कुछ अगर जानकारी लेनी है तो इस टेबल पर आते हैं, यहाँ पर जानकारी उनसे प्राप्त की जाती है। उसके बगल में आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अलग से टिकट काउंटर बिठाया गया है, उस टिकट काउंटर में यात्रीगण जो है आके जनरल टिकट लेते हैं। ये स्टेशन के बाहर का नजारा है, अंदर भी टिकट काउंटर है, अंदर भी वेटिंग व्यवस्था की गई है जी। और ये अलग व्यवस्था जो है लोगों के लिए की गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये ध्यान में रखते हुए ये सभी सुविधा यहाँ पे की गई है। टॉयलेट की व्यवस्था तो हमने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो एक खान पान की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, लोग यहाँ पर आराम से बैठे ट्रेन का इंतजार करें और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे, ये ध्यान दिया गया है। तो इन सभी सुविधाओं के ऊपर जो है इस वक्त सरकार की नजर है, और इसीलिए हम जब लोगों से बात किए तो लोग इससे काफी खुश भी थे, क्योंकि ऐसी इस प्रकार से पहले जो है व्यवस्था नहीं थी। आप पते कहाँ पर जा रहे हैं? आप सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, और कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? इस बार जो पेंडोल बनाया गया है पहले देखा था ऐसा? पंडाल तो ठीक है सर, बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है। पहले आते तो दिक्कत होती थी काफी? हाँ पहले दिक्कत होता था, अभी बहुत अच्छा है। पीने पीने की खाने पीने की व्यवस्था कैसी? वो भी ठीक है, सब पानी उनी है, सब मिलता है, टॉयलेट स्वच्छ है। हाँ तो ये लोगों का अनुभव है, ये उनसे उनकी जुबानी हमने सुना कि किस प्रकार से जब यात्रा करते हैं प्रवासी तो नजारा आगे स्टेशन का क्या होता है, और इस बार हमने देखा कि आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से स्टेशन बिल्कुल पूरा नजारा एनटीटी के पास पूरे उत्सव जैसा नजारा ही वहां पर नजर आ रहा है। कैसे जानकारी प्राप्त जी है, कैसे ट्रेन जी। शिशिर, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से आप भी लगातार दिखा रहे हैं, शिशिर ने भी दिखाया मुंबई रेलवे स्टेशन, वहां का नज़ारा किस तरह से उत्सव का माहौल है। दिवाली पर रेलवे ने विशेष व्यवस्था की, छठ की विशेष तैयारी है। एक कह सकते हैं कि एक इस तरह की भावना कि जब सफ़र भी कर रहे हैं यात्री तो एक उत्सव का जो उत्साह है उनके मन में बना रहे। वहाँ से क्या कुछ यात्रियों का कहना है, किस तरह का उत्साह है, क्योंकि पहले इस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं होती थी? हाँ देखिए, हर हाल में जो छठ है वो लोक आस्था का एक महान पर्व है, जिसमें साफ सफाई पूरी समर्पण और निष्ठा जो है वो जहाँ पूजा में दिखाई पड़ती है। तो लोग जब मुसाफिर जब अपने गांव जाकर अपने प्रियजनों के बीच छठी मैया की आराधना करना चाहते हैं, छठ पर्व में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं निष्ठा समर्पण और एक आत्मसम्मान का भाव जो है वो दिखाई पड़ता है। और इस आत्मसम्मान के भाव से भारतीय रेल ने हर हाल में एक बार पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल एक बड़ी बड़ी कोशिश है और उसका असर दिखाई भी दे रहा है। राजेश, बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय हमारे पास सीमित है, आपसे फिर जानकारी लेंगे, लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश और शिशिर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गोबर के बनाए गए श्री गिरिराज महाराज का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। मंदिर के चौक में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाए गए और विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजन किया। इसमें राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। विशेष दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र के अभिमान का दमन किया है और उस दमन के कारण ही आज के दिन गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व सबसे पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने अपनी 5 साल की उम्र में सभी गांववासियों को ये कहा कि ये इंद्र का पूजन आप बंद करो। गांववासी नहीं माने, भगवान के द्वारा अपनी हट करके अपना खाना पीना छोड़ के ये आरती है, ये मेरी पूजा करो। गांव वालों ने उनकी पूजा प्रारंभ की, तभी इंद्र ने भयंकर बरसात से भगवान को चेतावनी दी, लेकिन भगवान ने अपनी करनी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के और पूरे गांव वासियों की रक्षा की और उस दिन से ही इंद्र का अभिमान का दमन हुआ और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में प्रारंभ हुआ।
तकनीक के माध्यम से पैसों के लेन देन की सरकार की बड़ी पहल के तहत अब यूपीआई ने अक्टूबर माह में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये जानकारी शुक्रवार को एनपीसीआई द्वारा दी गई। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर की तुलना में अक्टूबर में लेन देन की संख्या में 10% और मूल्य में 14% की वृद्धि देखी गई। अक्टूबर में दैनिक यूपीआई लेन देन की संख्या 535 मिलियन रही। इस दौरान औसत लेन देन की वैल्यू 75,801 करोड़ रुपए प्रतिदिन रही, जबकि सितंबर में औसत दैनिक लेन देन की संख्या 501 मिलियन और मूल्य 68,800 करोड़ रुपए था। आर्थिक जानकारों का मानना है कि भारत में डिजिटल लेन देन इस तरह से बढ़ रहा है। फिलहाल उपभोक्ता व्यय का 60% मार्च 2024 तक कैश में ही खर्च किया जाता है। भारत में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2021 में उपभोक्ता व्यय में डिजिटल लेन देन की हिस्सेदारी 14-19% थी, जो कि अब बढ़कर 40-48% हो गई है। यूपीआई आधारित लेन देन की संख्या इस वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर में 52% बढ़कर 78.97 अरब हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 51.9 अरब थी। वहीं इस वर्ष के पहले 6 महीनों में यूपीआई लेन देन का मूल्य 40% बढ़कर 83.16 लाख करोड़ रुपए से 116.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत @7 खबर राज्यों की, DD News पर।